धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। यह खत सच्चे पातशाह ने किसी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज़्यादा खराब करे तो एक दो दफ़ा पढ़ लिया कर। बनी आदमी दा दुश्मन ए मन है, मन ही सानू नरकां विच ले जाता है, मन ही सानू खोटे कर्म कराता है। जो आदमी मन दे कहे विच कम करता है वो अपनी गर्दन अपनी छुरी नाल कटदा है, यानी अपने आप नूं नरकां दा हकदार बनांदा है। जो खोटे कर्म ये करता है वो रूह नूं भोगने पैंदे हन। ये मन इत्थे उत्थे अपने पर इल्ज़ाम नहीं लैंदा, दूसरे पर इल्ज़ाम दिंदा है। मुक्ति नाम में है, सिवाय सतगुरु और नाम के इसको कोई नहीं छुड़ा सकता। जो ये खोटे कर्म करता है इसनों ही भोगने पैंदे हन, क्योंकि इसने ही कीते। एक दूसरे के कर्म कोई नहीं ले सकता। बाप करे बाप भोगे, बेटा करे बेटा भोगे, सारे खोटिया कर्मा दी दवाई भजन सिमरन है। सो नाम तुन तुमको मिला हुआ है, सर्व रोग दा औखद नाम। जो जिस तरह हो सके अपने मन नू सीधा करो, जो मन खोटा टाइम मंगे तो मत दो। जो तुम कहते हो माफ़ी दो, माफ़ी देने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है। अगर नाम नहीं जप दे कोई माफ़ी नहीं। इस चिट्ठी को अपने पास रखो, जब मन रोला पावे तो इसको पढ़ लिया करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा।